हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के अंदर। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है एक एग्जाम्पल की मदद से, और कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी जानेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स लेटर के लिए जो वर्ड्स एलोकेटेड हैं वो है 125 से लेके 150 वर्ड्स। इसी के अंदर आपको अपना पूरा लेटर खत्म करना है। अगर बात करते हैं टाइमिंग की तो 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, 50 मार्क्स का ये होगा, और इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेटर का वो मैं एक वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं उसके अंदर कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ऐसे का मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर बात करते हैं लैंग्वेज की तो 8 शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप इंग्लिश यूज करिए, बिकॉज इंग्लिश के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं नंबर गेन करने के। सो स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप कई ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि आप फॉर्मल लेटर में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर काफी फ्रेंडली टाइप के टोन में लिखा जाता है और जो फॉर्मल लेटर होता है वो ऑफिशियल होता है। इसके बाद बात करते हैं आइटम्स और फ्रेजेस की। सो आइटम और फ्रेजेस यूज किए जा सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में, लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर ये चीजें यूज नहीं होती। बात करते हैं फ्रेसल वर्ब्स की, तो फ्रेसल वर्ब्स भी यूज की जा सकती है इनफॉर्मल लेटर के अंदर, और आप इसमें इम्पैरेटिव्स भी यूज कर सकते हैं जैसे डू यू वर्क प्रॉपरली और सेंड मी द पैकेट ऑफ चॉकलेट एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड इम्पैरेटिव्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर में यूज नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं अगर फॉर्मेट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर क्या है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उसके बाद आपको एक गैप छोड़ने है एक लाइन का, उसके बाद आती है डेट, और डेट के बाद आपको फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, और उसके बाद लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग या होप यू आर डूइंग वेल, यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने पूरे लेटर की, और लेटर की एंडिंग के बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखना होता है विद बेस्ट विशेस और रिगार्ड्स और नेम ऑफ द सेंडर। सेंडर का नाम वही लिखिए जो वहां पर दिया हुआ है, अपनी तरफ से नाम मत लिखिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि वो अपना नाम लिख देते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर में UFM लग जाता है और पेपर कैंसिल हो जाता है डिस्क्रिप्टिव का। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल इसी फॉर्मेट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स उस फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को पूरा देख सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर पवन या फिर पूर्णिमा बनकर आपको एक लेटर लिखना है सुनीता या संजीव को, जो कि चेन्नई में रहते हैं और उनके फादर का ट्रांसफर हो चुका है चेन्नई में, और आप उनको वेकेशन में स्टे करने के लिए बुलाना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो आप देख सकते हैं जो कि पवन का एड्रेस है स्टार्टिंग का वो है 3244 सरिता कॉलोनी, और ये हमने लिखा है सबसे ऊपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको देना है एक लाइन का गैप और आएगी डेट, डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप, और उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं सैल्यूटेशन के साथ उसका नाम। तो हमने लिखा है डियर संजीव, हम संजीव को लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद पूरी बॉडी में ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप उनके जो स्वीट मेमोरीज हैं उनको मिस कर रहे हैं ओल्ड टाइम्स को, और आप चाहते हैं कि वेकेशंस के अंदर आप वहां पर आए, इस चीज को आपको पूरा पूरा एलेबोरेट करना है, और ये पूरा जो एलेबोरेशन है ये अराउंड 70 से 80 वर्ड्स का होना चाहिए ताकि आपका जो कंटेंट है वो पूरा मिलके 100 वर्ड्स का बन जाए। यहाँ पर मैंने वर्ड लिमिट 100 रखी है, लेकिन एसएससी एमटीएस के अंदर जो एग्जाम है उसके अंदर वर्ड लिमिट 125 से 150 वर्ड्स होती है। सो कोशिश करिएगा कि आपका जो कंटेंट होगा आपकी बॉडी ऑफ द लेटर कम से कम 115 वर्ड्स के होने चाहिए, ताकि आपके जो हेडिंग और क्लोजर है उसको मिलाकर आपके 150 वर्ड्स पूरे हो जाएं। इसके बाद जब लेटर का क्लोजर करेंगे आप, तो उसके बाद आपको लिखना है विद बेस्ट विशेस और या फिर बेस्ट रिगार्ड्स और सेंडर्स का नाम। सेंडर का नाम याद रखिएगा, वही लिखिएगा जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कोई और नाम नहीं लिखिएगा वरना इसके मार्क्स कटते हैं। और मैं लेटर के डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसकी अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गुड लक एंड गुड बाय।